अमिताभ बच्चन के रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति 13 का आने वाला एपिसोड बेहद खास होने वाला है, क्योंकि शो में सबके चहेते राजकुमार राव नजर आएंगे, जो उनके फैंस के लिए बेहद खास खबर होने वाली है। इस बार के एपिसोड का इंतजार लोग काफी ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि एक तो शो के होस्ट शहंशाह और दूसरा राजकुमार राव का शो में कृति सैनन के साथ आना, तीन की तिकड़ी देखने के लिए फैंस एक्साइटेड हैं, क्योंकि ये तीन इस बार शो को और भी खास बनाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि शो में मस्ती का डबल डोज होने वाला है। ये फिल्मी सितारे शानदार शुक्रवार के शानदार एपिसोड में नजर आएंगे। राजकुमार राव और कृति सैनन शो में अपनी फिल्म हम दो हमारे दो को प्रमोट करने के लिए पहुंचेंगे, जो फिल्म को प्रमोट करने के साथ साथ अमिताभ बच्चन के साथ मस्ती करते हुए भी दिखाई देंगे। आगे का वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल NN बॉलीवुड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। आपको बता दें कि राजकुमार और कृति के आने की खबर ने धूम मचा के रखी है। वहीं सोनी टीवी ने अपने शो कौन बनेगा करोड़पति 13 के इस आने वाले प्रोमो को शेयर किया है, जिसमें कृति अमिताभ से ये साझा करते हुए नजर आती हैं कि राजकुमार राव बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं, जिसे सुनकर शहंशाह के साथ साथ सभी चौंक जाते हैं। राजकुमार राव के इस टैलेंट ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। वहीं कृति ने ये भी साझा करते हुए कहा, वैनिटी वैन में राजकुमार राव ने मुझे मिमिक्री करके दिखाई थी, जिसके बाद राजकुमार कहते हैं, मिमिक्री बाप रे, और सभी के चेहरे पर हंसी साफ दिखाई पड़ती है। लोग उनकी बात को खूब इंजॉय करते हुए नजर आते हैं। वेल, आपको बता दें कि राजकुमार ने एक और बात साझा की है कि वो किंग खान के बहुत बड़े फैन हैं और वो उनकी एक्टिंग को भी बचपन से फॉलो करते हैं। इसके साथ वो किंग खान के डायलॉग को भी बोलकर दिखाते हैं। राजकुमार राव फिल्म देवदास के फेमस डायलॉग बोलकर दिखाते हैं, कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है, हम तो इसलिए पीते हैं कि यहाँ बैठ सके, तुम्हें देख सके, तुम्हें बर्दाश्त कर सके। उनके इस डायलॉग को सुन सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फिर शहंशाह उनको सनी देओल का डायलॉग बोलने को कहते हैं, जिसे एक्टर काफी अच्छे अंदाज में बोलते हुए नजर आते हैं और लोगों को खूब पसंद भी आता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।